प्रथम नमस्कार, क्योंकि लोकतंत्र का हीरो आप ही लोग हैं। तो आज हमारे पार्टी की तरफ से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। और दूसरी बात, कल ही मैंने एक मीडिया में, एक पेपर में देखा था मैंने, जो बंगाल का बीजेपी का प्रभारी श्री कैलाश विजय बागी जी ने कि बंगाल में सीएम सुश्री ममता बनर्जी दीदी ने आदिवासियों को गोल गोल घुमा कर रखा है, बुड़बक बना कर रखा है, ये सब वगैरह मैंने आज पेपर पे देखा। तो मैं इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी गोरखाओं के लिए क्या सोचता है, गोरखाओं को भावना में वो बार बार हमें गोल गोल चक्कर घुमा रहा है, हमें यूज कर रहा है, और ये बोलता है कि आदिवासी को सीएम ममता बनर्जी ने गोल गोल घुमाया है, यूज किया है, इसको शर्म आना चाहिए, है ना। तो देखिए, बीजेपी ने हमें किस तरह से गुमराह किया। बीजेपी को हमने अपना सारा सर्वस्व दिया, इनको जो जो बोला हमने सब कुछ किया इनके लिए, हमारे इतना भाई बहन इनके लिए शहीद हुआ है ना। देखिए, इनको हमने 3 ठो एमपी दिया, 15 वर्ष हमारा ऐसा चला गया, इन्होंने जो जो कहा हमने सब कुछ किया। बंगाल का जन्मदाता था बीजेपी का, था श्री बिमल गुरुंग जी, है ना। लेकिन बिमल गुरुंग जी जो हमारा गोर्खा विमोचन पार्टी का लीडर, आज 3 वर्ष से ज्यादा हो गया है बाहर में विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गया। ये सब तो बीजेपी के कारण से हुआ ना। बीजेपी बार बार आए यहाँ पर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 14 में आया था सपना के बात बोल के चला गया, 16 में आया आपका वास्तु विहार में आया था ना, वास्तु में आके गोरखा का 11 जनजाति का मैं अब भी से मैं शुरू कर दूंगा। देखिए, बंगाल का सीएम सुश्री ममता बनर्जी दीदी वो लेडी है, लेकिन वो हिम्मतदार है, हिम्मत है, जो बोलता है वो मुंह में बोलता है, वो पीठ में छुरी तो नहीं रोकता है ना, जैसे बीजेपी करता है, मैं कर दूंगा कर दूंगा, मुंह में राम राम बगल में छुरा, बीजेपी का ये नीति है। लेकिन ममता बनर्जी दीदी जो बोलता है वो दुश्मनी लेता है, वही तो खोल के लेता है, हमें कौन बोल रहा इसे बोलता है ना। लेकिन वो पीठ में छुरी तो नहीं मारता है, इसीलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है, जो इस बार विधानसभा चुनाव जो 21 में है, इस बार हम हमारा दीदी, सबका प्यारा दीदी ममता दीदी के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, और यही बात हुआ हम लोग का। और 21 का इलेक्शन में नॉर्थ बंगाल में अब बीजेपी ना सोचे तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में हम लोग का पहले से बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो चुका है। इस बार हम लोग कम से कम 15-16 में से जीत के ममता दीदी को देंगे, ऐसा हम लोग गठबंधन हुआ है। और इस बार भी हम, हमारा पार्टी गोरखा मोर्चा, 3 बार जो इलेक्शन जो है अभी, इस बार भी हम हमारा दीदी सुश्री ममता बंदोपाध्याय को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने, आपने बीजेपी को 3 टेन्योर में टोटल 3 एमपी दिया है, जैसे कि आप बोल रहे हैं आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मेन रीजन आपने बोला कि आप लोग का लॉन्ग स्टेट, आप लोग का लॉन्ग डिमांडिंग स्टेट गोरखालैंड के लिए, वो लोग जो पूरा नहीं किया सिर्फ बोला, क्या आपको विश्वास है कि अगर आप ममता बनर्जी को नेक्स्ट सीएम बनाएंगे तो वो पूरा कर पाएगा? मैंने आपको बोला ना, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा सपोर्ट करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे।
बीजेपी तो सपोर्ट किया था, तीन बार से आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को हम लोग सपोर्ट किया था तो क्या किया हम लोग, ठीक है ना। हमारा सांसद जो राजू मिश्रा जी, इतना बार उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो इससे आगे इतना सांसद ने नहीं बोला होगा। अगर आपको पूरा भरोसा है कि टीएमसी ऐसा नहीं करेगा? देखिए, जो बीजेपी भी अभी यही कह रहा है कि पीपीएस का बात बोल रहा है ना, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात बोल रहा है, ममता दीदी तो बोल रहे हैं। और देखिए 2014 में ही, 2014 लोकसभा में ही बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने गोरखा जनजाति का मुद्दा का एनसी दिया था ना। लेकिन इतना समय के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिस आदमी बोल रहा है कि बिमल जी आने के लिए तो हमको हरा झंडा दिखाना पड़ेगा, वो आदमी तो न्यूटिया में बिमल जी आएगा बोल के उसका मन का धुकधुकी बढ़ गया है, ठीक है ना, उनका मन का धुकधुकी बढ़ गया है। वो अभी तो न्यूटिया में, जाके उनका पूछिए आप। बिमल जी जब यहाँ पे था 90 दिन से भी ज्यादा स्ट्राइक था दार्जिलिंग, तो वो इस बार आने के बाद भी ऐसा स्ट्राइक नहीं होगा, किस से जाएंगे? देखिए 2017 का जो आंदोलन था ना, 105 दिन आपका स्ट्राइक हुआ, इसको विफल किसने बनाया? इतना हमारा भाई लोग शहीद हुआ, किसने बनाया? विनय और अनित जी ने बनाया ना। 5,000 से ज्यादा हमारा केडर विस्थापित हुआ, किसने बनाया? विनय और अनित जी ने बनाया ना। गांव गांव में डेली टू डेली, एक दिन में एक जगह नहीं, बहुत सारा एक दिन में बहुत सारा जगह में मीटिंग हो रहा है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है ना, क्योंकि जो प्रमोद जी ने कहा कि कुछ दिन आगे ममता दीदी आके उस पैकेज देके गया था, तो उस पैकेज को देखते वो लोग, वो मुंह से बहुत सारा राज निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी जो जीटीए जो चला रहा है अभी, हाँ वो तो आमंत्रित, वो तो वोट जीत के तो नहीं हुआ ना, ममता जी ने उसको आमंत्रित करके रखा हुआ है। लॉकडाउन में काम दिया है और काम शुरू करा है, लेकिन जब बिमल जी फिर अपने जगह में आ रहा है बोल के मैसेज मिला तो ये लोग डर गया। मोटा रकम लेके इन लोगों को लॉकडाउन में काम दिया है, अगर बिमल जी आता है तो इन लोगों का जो लॉकडाउन में काम हुआ है वो तो बेकार हो जाएगा, लॉकडाउन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों को एक प्रेशर करके आप लोग आदमी निकालिए, कैसा होगा क्या होगा हमने जानता है। सिलीगुड़ी में क्यों? क्योंकि आपका जो डुअर्स से आने वाला है, सुनकोस से लेकर आदमी लोग आया ना, तो उनके लिए दार्जिलिंग को दूर हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक सेंट्रल एरिया हम लोग ने चूज किया है।